नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे स्वाल कंपनी की किंस्टा जीआर इंसेक्टिसाइड की विशेषताओं के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इसके टेक्निकल के बारे में, इसमें क्या हमें मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, कौन कौन सी फसलों पर आप किंस्टा जीआर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, कौन कौन से कीटों को यह नियंत्रित करता है, क्या इसका हमें डोज लेना चाहिए, सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें, सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, जो स्वाल कंपनी का किंस्टा जीआर कीटनाशक है, इसमें जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है क्लोरेन ट्रेनेलोप्रोल, जो कि 0.4 जो कि जीआर फॉर्म में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आपने क्लोरेन ट्रेनेलोप्रोल जो टेक्निकल देखा होगा, सुना होगा, वो आपने एससी फॉर्मुलेशन में हमें देखने को सुना होगा, यानी कि जो लिक्विड गाढ़े फॉर्म में हमें अक्सर जो कंपनियां होती हैं क्लोरेन ट्रेनेलोप्रोल प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो स्वाल कंपनी का जो किंस्टा जीआर कीटनाशक है, इसमें हमें ये पाउडर फॉर्म में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसके हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो किसान भाइयों, जब भी आप स्वाल कंपनी का जो किंस्टा जीआर कीटनाशक है, इसका छिड़काव अपनी फसलों पर करते हैं, तो यह फसलों में जो कीट होते हैं उनके नर्वस सिस्टम पर जाकर सीधे अटैक करता है और उनकी मृत्यु कर देता है। जी हाँ किसान भाइयों, जो इसमें जो टेक्निकल है जो कि जीआर फॉर्म फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पहला ऐसा टेक्निकल है जो क्लोरेन ट्रेनेलोप्रोल जो हमेशा एससी फॉर्मुलेशन में आता था, वो अब जीआर फॉर्म में हमें स्वाल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। किसान भाइयों, स्वाल कंपनी जो हमें रिकमेंड करती है कि इसका छिड़काव आप राइस और शुगर केन की फसल पर कर सकते हैं, यानी कि धान और गन्ने की फसल पर ही आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसका छिड़काव आप उन फसलों पर भी कर सकते हैं जिन पर येलो स्टेम बोरर, पैडी लीफ होल्डर, अर्ली शूट बोरर के साथ साथ जो टॉप बोरर जैसे कीट होते हैं उन पर भी आप सोयल कंपनी का जो किंस्टा जीआर कीटनाशक है उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अपन यह कह सकते हैं कि यह पैडी और शुगर केन स्पेशलिस्ट, यानी कि यह एक धान और गन्ने की फसल पर काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ हम इसकी बात करें इसके डोज की, तो 4 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसका छिड़काव करवाना है। किसान भाइयों, वहीं इसके छिड़काव करते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी है कि इसका छिड़काव आप तेज हवाओं के चलते कभी ना करें, और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसका छिड़काव अधिक तापमान पर ना करें तो भी बेहतर हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।